घुमंतु जीवन यापन करती रही घुमंतु जातियों को शताब्दियों की करवट का एहसास भले ही नहीं हुआ, लेकिन पिछले दशक में बदलाव की तेजी ने समस्त विश्व में परिवर्तन के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। पिछली कई शताब्दियों से समय और दौर चाहे जो भी रहा, घुमक्कड़ जातियों की जीवन शैली अपने चिर परिचित अंदाज में ही जीवंत रही। पहले ऐसे ही डेरे लगे फिरे थे, आज यहाँ है कल वहाँ है फिर सुबह है नो फिरते। इन द नोमैडिक कम्युनिटीज हु आर ट्रैवलिंग वेयर एंड आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन बिकॉज यू डोंट हैव एन एड्रेस। इफ यू डोंट हैव एन परमानेंट एड्रेस देन यू आर नॉट काउंटेड एंड इफ यू आर नॉट काउंटेड एज अ सिटीजन देन यू डोंट एग्जिस्ट एज अ सिटीजन। ये गाँव से वो गाँव घूमते हैं, उनके वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं है, रेशन कार्ड नहीं मिलता है, बीपीएल की जो लिस्ट है दारिद्र्य रेशे के नीचे रहने वाले लोगों उनमें उनका नाम नहीं आता है। ये जैसा घुमंतुपन कारण है उससे उनका अज्ञान भी कारण है। उस टाइम तो मैंने पता नहीं था 109 है 106 है क्या है वो, किसी का ऐसा है कि भाई किसी रात को किसी को आदमी को पकड़ लेता है तो उसको बंद कर देता, उसको 109 होती है। उस टाइम हमें पता ही नहीं था वो 109 है कि 106 होती है कि 10 होती है। वो फिर वैसे उसमें डोलने फिरने उस जंगल खाली रहा नहीं, मुलतल मुलतानी के टाइम पीछे वाला हुई तो उस देख लिया कि भाई कोई मजा वाली बात नहीं तो बैठ गया जगह जगह डेरा उठा के ला के हमने ये मौका देख के प्रतिपरा जंगल में हमने डेरा डाल दिया। अपने आप को प्रकृति की संतान समझती आई घुमंतु जातियों ने समाज और प्रशासन से टक्कर ले यह नारा बुलंद करते हुए कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, यह कहकर अरावली की इन तलहटियों में अपनी ढानियां बसाई। कोई पूछेगा तो ये क्या है, पहचान पत्र है। और पहचान पत्र क्यों है, क्योंकि इससे हमारी पहचान है। संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर रहे घुमंतुओं को विगत 15 वर्षों से अरावली की तलहटी में बसाने और पहचान दिलाने की प्रक्रिया ने 50,000 से भी अधिक घुमंतुओं तक पहुंच बना सफलता के जो मापदंड तय किए उसके पीछे रहा घुमंतुओं का जीवन ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक धीमा सघन और गहरा सफर। यूं तो अरावली की तरहटी में लगने वाली घुमंतु पाठशालाओं की दिनचर्या किसी आम पाठशाला की तरह ही शुरू होती है, दरियां बिछाने और उन्हें बुहारने से। फर्क है तो सिर्फ इतना कि घंटे की आवाज की जगह दातार बाजीगर की बांसुरी घुमंतुओं तक खबर पहुंचाती है और घुमंतु खींचे चले आते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने। बहुत अच्छा ज्ञान ध्यान मिलता है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, तो सीखते हैं तो कुछ आगे भी बढ़ेंगे, सीखेंगे तो आएंगे तो पाएंगे कुछ,
अब ये भाई ये बन जा रहे हैं भोपे हैं, लुआ रहे हैं गाड़ी, लुआ रहे कोई भी भाई हुआ और जिसके पास प्रूफ नहीं है, साथ देना उसको देना पड़ेगा। सही सही बात, क्यों चाहे कुछ भी हो, मरना जीना साथ साथ है तो भाई साथ उसको युद्ध इसी बात का देना पड़ेगा कि भाई जिसके पास कुछ नहीं उसको अपन को सहारा देना। इमली, आम, अंगूर, अंगूर कहाँ है? ये रहा इमली, अंगूर ही है। तो इमली है, ये यानी गन्ना है, अनार, अनार है इतना तगड़ा, ए माना अनार, ए माना अनार, आम है, आम है, आम ये फड़ाया था मेरे को पहले सन बताऊं, ये ज्ञान आँखों से हो करियागा दो मेरी माँ का राम बनी को जागा दो मेरी माँ का राम बनी को जा रे राम बनी को जाते हैं सिया राम बनी को रे जाते हैं खुशी हो करे अग्यारे दो मेरी माता रे राम बने को रे जाते हैं पर इतने साल के बाद भी जात पात के समीकरण अक्सर खाना बनाते और खाते समय उभर ही आते हैं। बना सकती है ये लोग बना देती है पर ये नहीं बनवाने देती है, बनाने की क्यों नहीं बनाएगी, कौन ना बनाएगी, खाते गेर बनाते गे, खाते गेर बनाते गे, पाव उतार देंगे खाते गे, बनाते गेर खाते गे, तो पेट में तो खाएगा, ये बट तरीका नहीं होता है, तरीका नहीं होता है, कोई भी बनावे नहीं है चौथी रोटी कोई भी नहीं छोड़े, कोई तरीका नहीं होता है भैया, तरीका होता है खाने का, ये तरफ बैठ के ना खा लेंगे लोग, नहीं खा भी लेंगे, पर उसे एक बना नहीं सकते, पंचायत में ये फैसला हो जाए कि संतोष रोटी बनाएगी या खाएगी तो चल जाएगा सब खा लेंगे, देख लो आज फैसला, हाँ कर दो, देखो हमारे हम 12 जात होती है इसके अंदर, समझो ये अलग हमारी 12 जात है, हमारे हमारी मीटिंग अलग है, अब ये क्या हमारी छुआछूत वाली और धोड़ी वाली कहानी आ रही है तो वो उसकी बात, अब ये हमारे जब आएंगे तो ये खाना नहीं खाएंगे हमारा हाथ का, ये कहेंगे भाई नाथ जी हम आए तुम्हारे तमाशा देखने के लिए, हमें सूखा दे दो, हम सूखा दे देंगे, बड़ा के अपने रोटी खा के सो जाएंगे, समझ गया, अब हम इसके चले जाएंगे तो कह देंगे भाई हम आगे बीन बजा गए, हम भवंग बजा रहे, तुम भी तो सूखा हम भी बजा खा लेंगे, वो बात तो तेरी बाराड़ा में तो तुमने मार लियो, पर ये काजा वाला में कैसे मार रहा मेरे को, तू काजा वाले में तेरे साथ चलूं के पर्दा लगा के चलूं? नहीं साथ चल, पर्दा नहीं लगेगा इसमें, अब पर्दा नहीं लगाऊं हाँ। तो एक बात बता, ये तो है राम, इसने तो खाए हैं भीलनी के आदिवासी के झूठे बेर, ये जात क्यों बनी है फिर, मसला क्यों बना है बामन बनिए का, ये मसला क्यों आया, अरे यार कौन हमारी सुधरती ने क्यों भूखी मरती, खाने के लिए तो दाना नहीं है, क्यों क्यों दाना कैसे में आजादी है, गंदा काम सीखी औरता जैसे इनकी आवरदारी गिटकी, ये एक भैंस गर्द में लौट जाए और सबका नाश हो जाए कर जाए, ये काम हमारी कौम में हो रहा है, अरे आए जैसे ही दुनिया के लोग के पाप पता हो रहा है, क्यों एक भैंस गार में लौट गए और निकलेगी ना अपने बीच और सबके छींटा लागे, क्रिया भी ऐसी होगी, जब जाती है बाहर जब बनाती है इतना काम और जब इतनी बात करती है, ये पता नहीं है इनने कितना ज्ञान आ रहा है, पांच हजार वर्षों से चली आ रही जाति और वर्ण की रूढ़ियों को एक झटके में तोड़ देना ग्रामीण परिपेक्ष में इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हर बार इस पर की जाने वाली चर्चा से कुछ लोगों का नजरिया जरूर बदला है। देखिए जिस टाइम कमल सिंह बाग के अंदर जाता है, केलाबाई क्या कहती है, सखी सहेली क्या कहती कमल सिंह से, अरे क्यों आया के काम तेरा,
अरे परदेसी मरे चमल के माँ, ए पागल हो जा बैम फूट जा फसगी जान बिगल के माँ, क्यों आया के गम तेरा पर देसी मरे चमल के माँ, पागल हो जा बैम फूट जा फसगी जान बिगल के माँ, के माँ बाप ने दिया दिसोटा के बन खड़की तारी से कोना ख्याल दिसोटे का मेरी लगी में बीमारी से। जाति पाति के इन्हीं मतभेदों को मिटाने के लिए घुमंतु पाठशालाओं में घुमंतुओं को एक दूसरे की संस्कृति करीब से समझने समझाने के अवसर देने के लिए फिल्में दिखाने की शुरुआत हुई। 7 साल के गहन शोध के बाद तैयार की गई इन फिल्मों ने न केवल घुमंतुओं को एक दूसरे की जीवन शैली और व्यवसाय का सम्मान करना सिखाया, अपितु अपनी जीवन संस्कृति के प्रति गौरवान्वित भी किया। रकम बकाया तो लिखवाया, उधार चुकाया तो लिखवाया, रकम बकाया तो लिखवाया, उधार चुकाया तो लिखवाया, सारा हिसाब मारी पाठशाला छे, सारा हिसाब मारी पाठशाला छे, अनपढ़ भाया भोत ठगाया, अनपढ़ भाया भोत ठगाया, लोही मारो कहो छे सूरज भोपा गाने वाला, सूरज भोपा गाने वाला लोही कहो छे। ये लोकगीत अभी बना है साहब, ये पाठशाला वाला पहले नहीं था, ये पाठशाला के लिए क्यों लोग जैसे हम घुमंतु हैं इनके लिए बनाया गया है कि ये थोड़ा पाठशाला सीख जाएंगे, जाना सीख जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो ये हर चीज़ लिखना भी सीखेंगे, फिर सब कुछ सीखेंगे आगे। सारे घुमंतु पढ़ लो पाठशाला छे, सारे घुमंतु पढ़ लो पाठशाला छे, मारी चेर नारी छे पाठशाला नारी छे। अरे इतना ज्ञान होगा, जैसे हमारी जिंदगी में कोई अवसर नहीं देगा वो देख लिया हमने, कमीशन होगा भाई, कलेक्टर साहब होगा भाई, एसडीएम साहब होगा, तो सबकी जानकारी हमारी एनसीसी बैठन से हुई ना, मारो बाप दादा तो ना जाने दो, डर का मरिया डोंगरा में चढ़ जाए जा की जाने दो, बाघ ने नया में कुछ गुस्सा था देख रही कहा कि पुलिस अब नहीं है तो अब डर ना आएगा, अब तो अब छाते पर चढ़ जाओ हम ही के बोल रहे क्या करना है तेरे को कर ले। अब तो जैसे मैंने पढ़ रहा हूँ ना, तो मैंने अभी तो रामायण भी पढ़ी है, जैसे वो गीता भागवत, जैसे ये जो जो आती है भाई नई नई कथा आती है, इंडिया टूट जो देश में क्या क्या चीज हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, वो बाहर के जो आती है वो क्या बोले उसको सामाजिक ज्ञान वो उसमें होती है, तो वो देखता तब तो मैं जब मैंने पढ़ लिया तो मैंने देखा मैं दुनिया सब दुनिया देख रहा हूँ, घर बैठे देख रहा हूँ कोई फलाना देश में क्या हो रहा है। आज का अखबार पढ़ा आपने? आज का अखबार तो मैं गया नहीं, पढ़ूंगा आज का अखबार। कल का पढ़ा था? हाँ कल का पढ़ा था। तो कल क्या क्या मेन खबर थी? कल मेन खबर तो ये थी साहब, वो 55 लोग मारे गए था, वो क्या नाम उसमें छत्तीसगढ़ में। 7 ओले भी गिरे, रात को मौसम कुछ खुला रहा, हालांकि मौसम विभाग ने तेज गरजने के साथ वर्षा की चेतावनी दे रखी है। पश्चिमी और चक्रवर्ती हवाओं के दबाव से राजस्थान में गत 2 दिनों से हो रही बेमौसम वर्षा व ओलावृष्टि से हजारों हेक्टर में खड़ी फसल चौपट हो गई। जब से पढ़ना शुरू किया ना तो नजर में कुछ जोर पड़ गया, तो कम दिखने पड़ने लगे मेरे से, तो इससे अक्सर साफ दिखता है सर। तो चश्मा लगा के तो तुम बस स्मार्ट लगते हो। हाँ हाँ सर, जरा इसके लिए लगाना पड़ रहा, पढ़ने के लिए, सच में मेरा शौक नहीं है। अपने अनुभवों को शब्दों में ढालकर मामराज घुमंतुओं के संदर्भ में नव साक्षरों के लिए कहानियां तैयार कर उन्हें जांच और बांच रहे थे। घुमंतु कहते हैं, घूम घूम कर अपना जीवन यापन करने वालों को घुमंतु कहते हैं। घुमंतुओं का कोई पता
नहीं होता, वह एक जगह टिक कर नहीं रहता, रहते उनका कोई घर नहीं होता। भारत में अनेकों घुमंतू जातियां हैं, केवल राजस्थान में ही 200 से अधिक जनजातियां हैं। अपने राजस्थान में 200 जातियां घुमंतुओं की, 200 से अधिक जनजातियां हैं। ऐसे ही घुमंतू जाति है बंजारा। एक बार किसना बंजारा अपना धंधा करके वापिस पहुंचा तो रात हो गई थी। किसना का टांडा दूर पड़ा पहाड़ पर था। इतनी रात को घने जंगल में होकर जाने की बजाय किसना बस स्टैंड पर ही सो गया। भाई दूर सो आओ का ठिकाना देखो ना, तो बस स्टैंड पर सो गया। अभी आंख लगी ही थी कि ने उसे जगा दिया एक पुलिस वाला उसे सामने खड़ा था। पुलिस वाला ने किसना से उसका नाम पूछा, गांव पूछा और उसका पता पूछा। क्यों उसने गांव पता पूछा? घुमंतू है। किसना ने अपना नाम तो बताया लेकिन पता नहीं बता पाया। उसका कोई पता ही नहीं था। उसमें कैसे बताओ पता छोड़े उन्होंने गांव तो होगनों को डुल्लू छो तो कैसे बताओ था। उसने पुलिस वाला को बहुत समझाया कि वह घुमंतू है, लेकिन पुलिस वाला ने पता ना बताने पर उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया। किसना को काफी गुस्सा भी आया। आखिरी पुलिस वालों को उसकी सीधी सादी बात समझने क्यों नहीं आती कि घुमंतुओं का कोई पता नहीं होता। किसना पर मुकदमा चला। कोर्ट में मुकदमा चलने के लिए धारा लगना जरूरी होता है। धारा तो लगानी पड़े मन तो। हर जुर्म के लिए अलग अलग धारा होती है। किसना पर पुलिस ने धारा 109 की RPC लगाई। 109 वो किसना को धारा लगाई आपात के जाना 9-10 में लगा दी धारा। इसी धारे में ये लिखा था कि ऐसा कोई भी आदमी जिसका कोई पता नहीं होता वह कानून की नजर में अपराधी है। किसना बिना कसूर ही अपराधी ठहराया जा रहा था। बिल्कुल। And for me, literacy is a tool which may or may not get you education. It's a tool, and if you can use the tool properly, education can happen. But as we are seeing in our context, the person is made literate, but he doesn't know how to use the literacy. He thinks that in itself is education. It's not. And what we are witnessing here, that you got people who are so-called uneducated. Actually, they are educated. कई वर्षों से ग्रामीण परिपेक्ष में ग्रामीण कलाकारों के साथ काम कर चुके जॉन सिंह की बात अक्षरशः सही थी। शिक्षा और ज्ञान का समन्वय बिठाने के लिए जरूरी था शिक्षा को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना, और यही विशेषता रही घुमंतू पाठशालाओं की। विभिन्न संस्थाओं में जाकर वहां शिक्षा के लिए किए गए नए प्रयोगों से उत्साहित होकर मामराज, सुवा, दातार और केसरनाथ ने बामनवास की कहानी पर स्वयं एक नाटक भी तैयार किया, जिसे बड़सी की बैठकों में दिखाया गया। फिर कैसे भाई हवलदार जी? डब्बों से जैसे हमने ये जो नाटक बनाई है हमने, तो उसने ये कृष्णा की नाटक बनाई है हमने। जैसे कृष्णा पंडा को अरेस्ट किया था, उसको वो फिर जमानत करवाई थी, 109 में बंद कराया था, उनकी कहानी उसका कहानी बनाई साहब हमने, उसका बनाया। मतलब अब नाटक के जरिए आप लोगों को दिखाना लोगों को दिखाना चाहते हैं ऐसे हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसे न्याय हो रही है हमारे साथ। तो शिक्षा का नया माध्यम है, नया माध्यम है घुमकत्तू के साथ, घुमकड़ के साथ, हर जाति के साथ ये साहब ऐसा हो रहा है। बताऊं बात,
लोग परेशान, पुलिस वाला परेशान कर रहा है गांव का, तो करे ही करे। अच्छा नेता नांगड़ा परेशान कर रहा है इनको, इनको कोई जगह नहीं, इसको चोर लफंगा बता रहा है। हालांकि ये चोरी करते नहीं, चोरी करने वाला तो और है ना, ये फंस जाता है। इस नाटक के जरिए मामराज के डेरे के इतिहास को 5 मिनट में समेट कर घुमंतु पाठशालाओं के अन्य पाठ्यक्रमों के हिस्सों का मंचन करने की भी नींव पड़ी। अरे क्या नाम है? अजी कृष्णा नाम है साहब। जरा खा रहे थे वो आप? जो मैं साहब खा रहे थे वो? अजी घूमकर जाते साहब। रहता है यहाँ घूमकर सोऊं क्या? दारू पी रखा है क्या? नहीं नहीं साहब। तो शराब पिए? नहीं साहब, बाहर जा रहा है। आप क्या, कौन है तुम? बनजारा बता रहा है, बनजारा। कौन सा गाँव है तेरा? गाँव अरी शराब तराह गिर पड़ जाए। गाँव कौन सा तेरा? रात घूम कर जाते साहब। घूम कर रात क्या कर रहे था? रात में साहब बाहर देश में जा रहा है, दादी स्टेंटर सो रहा है। डकैती कर रहा है किसी? चोरी मार रहा है? नहीं साहब। क्या कर रहा था रात को? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ये कर रहा था, इसमें जाके जगाया तो हमने देख के बंद छूट आए और हम जाके पकड़ा। तो कैसे भगा तू? अरे साहब डर लगे, चांच की नींद बुड़ी, शाम को प्रेस लाऊंगा गाँव में जा। अंदर जी घंटा रहो, अब मेरे पास आओ। क्या था इसके पास? इसके पास तो चीज तो कुछ ही नहीं। तो कैसे पकड़ा इसको? ऐसे पकड़ा, यह बताता है, अब मेरा कोई ऐसा पता नहीं है। हम तो यहाँ बैठ रहा और काल गाँव का मान है, एक चोरी हुई है, डकैती हुई है। हमारे तो पी ने साहब बजाते गिट्टा दिखाते फुला के। अजी नहीं नहीं नहीं, हम तो गाँव का है साहब, हमारे गाँव का है साहब। घूमने वाले साहब ऐसे मत करो साहब। देखो हम तुलसीवाड़ा जा रहे हैं साहब। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बंजारों का प्रोग्राम है, सम्मेलन है और सांस्कृतिक प्रोग्राम है। यहाँ से कितना दूर हुआ? यहाँ से करीब 30 किलोमीटर हुआ। चलो मिलते हैं वहाँ पे। चलो हाँ ठीक। बोलो भाई भर्तृ बाबा की। पर सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाने वाली पाठशालाओं के विपरीत घुमंतु पाठशालाएं देर रात तक चलती रहती हैं। बस बदल जाते हैं तो इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्र। रात्रि के समय खेतों की पहरेदारी करते बावरियों के साथ पाठशालाओं में बैठने का यही सबसे सही समय होता है। ये किसकी आवाज है? और रोजाना पे गावा की है। चलो और बिलाव की लड़ाई आए। के जीवन संदर्भों को आधार बनाकर दी गई शिक्षा इन घुमंतु पाठशालाओं की रीढ़ है।
दिन चलती इन घुमंतु पाठशालाओं के घुमंतु छात्रों से मिलने और इनकी जीविका से जुड़े पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने समझाने शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का आना शुरू हुआ है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे अगले भाग में। ऊंडा सा खोला में रबटन हो रही झेरे किया आउरे बरतरी बाबा बरखा जोर देरी झेरे बरखा जोर देरी जे मन बन जारा सुले मन बन जारा सुले मन बन जारा सुले मन बन जारा सुन ले 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 बन जारा सुन ले मन बन बन जारा सुन ले मन 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 बन जारा 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 मन बन जारा सुन ले मन बन जारा सुन ले मन बन जारा सुन ले।